हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th का चैप्टर लैंडस्केप ऑफ सोल देखने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सजेशंस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर की ऑथर नेथली ट्रेवरॉय है, जो यूरोपियन है और ये एक आर्ट हिस्टोरियन है, यानी ये स्टोरीज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्टडी करती है। इनके पास हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स में और आर्कियोलॉजी में मास्टर डिग्री है। दोस्तों, इस चैप्टर में ऑथर ये शो करना चाहती हैं कि डिफरेंट प्लेसेस के आर्टिस्ट किस किस तरह की पेंटिंग्स करते हैं। इससे उन्होंने डिफरेंट एग्जांपल्स लेकर बताया है एंड स्पेशली कॉन्ट्रास्टिंग बिटवीन चाइनीज एंड वेस्टर्न आर्ट। तो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में 4 शॉर्ट स्टोरीज हैं और फर्स्ट स्टोरी है 8th सेंचुरी के एक महान चाइनीज पेंटर के बारे में, जिनका नाम वू डाउजी है। उनकी लास्ट पेंटिंग उन्होंने टैंग एम्परर जोंग जोंग के पैलेस में बनाई थी, क्योंकि वो अपने पैलेस की दीवारों को सजवाना चाहते थे। वू डाउजी ने पेंटिंग को एक पर्दे के पीछे ढक दिया था ताकि सिर्फ एम्परर ही उस पेंटिंग को देख पाए। जब एम्परर ने पेंटिंग को देखा, वो बहुत खुश हुए। पेंटिंग बहुत ही सुंदर थी, जिसमें बड़े बड़े पहाड़, जंगल, झरने, अनंत आसमान में बहते बादल, पहाड़ों पर चढ़ते हुए लोग, आसमान में उड़ती हुई बर्ड्स और भी बहुत कुछ दिख रहा था। वू डाउजी कहते हैं, देखिए सर, वहाँ नीचे जो पहाड़ में गुफा है, उसमें एक आत्मा, एक स्पिरिट रहती है। जैसे ही वू डाउजी ताली बजाते हैं, गुफा की एंट्रेंस खुल जाती है। वो कहते हैं कि केव के अंदर की जो जगह है, वो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है कि मैं उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता, प्लीज आप मेरे साथ केव में चलिए। जैसे ही पेंटर केव के अंदर घुसते हैं, और इसके पहले कि एम्परर अंदर जाने के लिए अपना कदम बढ़ाते या कुछ बोलते, वॉल पर से पेंटिंग ही गायब हो जाती है। उनका इस दुनिया से नामो निशान ही मिट जाता है, यहाँ तक कि उनका पेंट ब्रश भी गायब हो जाता है और फिर कभी नहीं मिलता है। दोस्तों, ऐसी स्टोरीज चाइना की क्लासिकल एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कॉन्फ्यूशियस और झांगजी दो ऐसी बुक्स हैं जिनमें ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, जो कि उनके फॉलोअर्स को सही डायरेक्शन में भेजने में मदद करती हैं। ये स्टोरीज ये भी बताती हैं कि हमारे स्पिरिट में और आर्ट में कितनी पावर होती है। इसी तरह से दूसरी स्टोरी एक ऐसे फेमस पेंटर की है, जो एक ड्रैगन ड्रॉ करता है, लेकिन उसकी आंख कभी नहीं बनाता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ड्रैगन जिंदा होकर पेंटिंग से बाहर ना आ जाए। तो दोस्तों, ये स्टोरी इस चाइना की थी। अब आप इनको वेस्टर्न पेंटिंग्स से कॉन्ट्रास्ट कीजिए, जिसके लिए मैं और दो स्टोरीज बताने जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट स्टोरी 15th सेंचुरी में नॉर्दर्न बेल्जियम की एक सिटी एंटवर्प में रहने वाले ब्लैक स्मिथ की है, जिसका नाम क्विंटिन मिक्सिस था। उसको एक पेंटर की बेटी से प्यार हो जाता है, लेकिन लड़की के फादर रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि वो एक लुहार से अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते थे। एक दिन क्विंटिन उस लड़की के फादर के स्टूडियो में घुस जाता है, और जिस कैनवास पर वो काम कर रहे होते हैं, उस पर एक मक्खी पेंट कर देता है। अब जब लड़की के फादर स्टूडियो में आकर काम चालू करने का सोचते हैं, तो वो देखते हैं कि उनकी कैनवास पर एक मक्खी बैठी हुई है। तो वो उस मक्खी को मारने की कोशिश करते हैं, वो उस पर जोर से मारते हैं, लेकिन वो वहाँ से उड़ती भी नहीं है और मरती भी नहीं है। फिर जब वो उसके पास जाकर देखते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वो एक पेंटिंग है। और जब उन्हें ये पता चलता है कि इस पेंटिंग को ब्लैक स्मिथ क्विंटिन ने बनाया है, तो वो क्विंटिन को अपने स्टूडियो में एज अ इंटर्न रख लेते हैं, और उसके बाद वो अपनी बेटी की शादी फिक्स कर देते हैं, और आगे चल के क्विंटिन उस टाइम का एक महान पेंटर भी बनता है। यहाँ बताई गई स्टोरीज से हमें ये पता चलता है कि आर्टिस्ट्स अपनी पेंटिंग के थ्रू क्या अचीव करना चाहते थे। तो जो यूरोपियन पेंटर था, उसने एक ऐसी पेंटिंग बनाई जो इल्यूजन क्रिएट कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो रियल में है, जबकि चाइनीज पेंटर ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई थी जिस पेंटिंग को देखकर जो सोचा जाए
उसमें वही दिखने लगता था और ये पेंटिंग व्यूअर्स की लाइफ और स्पिरिट पर बेस्ड थी। चाइनीज स्टोरी में एम्परर पेंटिंग पर बनी चीजों की तारीफ करते हैं, लेकिन आर्टिस्ट उन्हें अपने वर्क का ट्रू मीनिंग उसमें गायब होकर बताते हैं। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि एम्परर अपने टेरिटरी पर राज कर सकता है, लेकिन उस जगह को अंदर से सिर्फ एक आर्टिस्ट ही पहचान सकता है। इस चैप्टर में आगे दाओ के बारे में बताया जा रहा है, जो कि एक चाइनीज कॉन्सेप्ट है जो यूनिवर्स की मिस्टीरियस वर्किंग को शो करता है। वू डाओजी ने जो पेंटिंग बनाई वो तो गायब हो गई, लेकिन उनका रियल गोल था वो पूरा हो गया, जो कि किसी भी मटेरियल अपीयरेंस से बड़ी चीज है। ऑथर कहती हैं कि वेस्टर्न और चाइनीज पेंटिंग में यही डिफरेंस है कि चाइनीज पेंटिंग में जो लैंडस्केप बनाया गया वो किसी पर्टिकुलर चीज को शो नहीं कर रहा था, जबकि वेस्टर्न पेंटिंग में स्पेसिफिक चीज को दिखाकर बिल्कुल फिगरेटिव बारीकी से बनाया गया था। मतलब चाइनीज पेंटिंग को जैसे दिमाग से देखा जाए वो वैसी दिख जाएगी, जैसे कि इस पेंटिंग में ऐसी कोई सेम चीज हो सकती है जो आपको देखने पर कुछ और लगे और मुझे देखने पर कुछ और लगे, लेकिन वेस्टर्न पेंटिंग में जो चीज बनाई गई है आप उसको दूसरे तरीके से नहीं देख सकते। पेंटर ने जो सोचकर उसे बनाया है आपको भी उसे देखकर वही सोचना पड़ेगा। चाइनीज पेंटर के लैंडस्केप में आप कहीं से भी घुस सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं और कहीं से भी बाहर आ सकते हैं। चाइनीज आर्ट में एक और टाइप की पेंटिंग होती है जिसमें पेंटिंग को रोल कर दिया जाता है और सामने वाले को दिखाने के लिए ऊपर से खोला जाता है और फिर साथ में ही नीचे से बंद कर लिया जाता है और सीन्स सीक्वेंस में लगातार सामने आते रहते हैं। इसको देखने समझने के लिए व्यूअर्स का मेंटल और फिजिकल पार्टिसिपेशन भी चाहिए होता है, ताकि वो डिसाइड कर सके कि वो इस पेंटिंग से किस जगह पर जाना चाहते हैं। जैसे कि हमने देखा कि वू डाओजी ने केव में गेट को इमेजिन किया और अपनी माइंड पावर्स से उसे खोला, उसके बाद फिजिकली उसके अंदर चले गए। चाइनीज पेंटर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वो ऐसा नहीं चाहते हैं कि उस पेंटिंग को आप उनकी नज़र से देखो, वो चाहते हैं कि आप पेंटिंग को पेंटर की दिमाग से देखो और इमेजिन करो कि पेंटर ने इसको क्या इमेजिन करके बनाया और फिर उसे एक्सप्लोर करो। ये लैंडस्केप जो चाइनीज पेंटिंग में बनाया गया था वो आपकी इमेजिनेशन पर डिपेंडेंट है। आपके दिमाग ने जैसे किसी चीज को इंटरप्रेट किया आपने उसको वैसा बनाया, ना कि जैसा कि वो दिख रहा था। और इस कॉन्सेप्ट को चाइनीज में शान शुई कहा जाता है, जो रियल मीनिंग में माउंटेन वाटर को रिप्रेजेंट करता है। वर्ल्ड की दो चीज आपस में अपोजिट होती है और यही दाओइस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स है। माउंटेन यांग है, जो कि आसमान में हेवन की तरफ जा रहा है और स्टेबल है, वार्म है, ड्राई है, जबकि वाटर इसका अपोजिट यानी कि यिन हॉरिजॉन्टल है, अर्थ पर फ्लो हो रहा है, फ्लूइड है और मॉइस्ट है और कूल है। यिन एक फेमिनाइन एस्पेक्ट है यूनिवर्सल एनर्जी का और यांग एक मस्कुलाइन एस्पेक्ट है यूनिवर्सल एनर्जी का। जहां इस इमेज में माउंटेन और रिवर मिलते हैं वही दाओइस्ट का फंडामेंटल नोशन है। यिन और यांग के बीच में एक पॉइंट है जिसे वॉइड कहा जाता है और यहीं पर यिन और यांग का इंटरेक्शन होता है। इसको हम योगिक प्रैक्टिस प्राणायाम से भी कंपेयर कर सकते हैं। हम प्राणायाम में सांस लेते हैं, रोकते हैं और बाहर निकालते हैं, तो इसमें जब हम सांस रोकते हैं इसे वॉइड से कंपेयर किया जा रहा है, जिस स्टेट में हम मेडिटेट कर पाते हैं। मिडिल वॉइड के बिना कुछ नहीं हो सकता, इसलिए ही चाइनीज लैंडस्केप में बीच बीच में वाइट स्पेसेस छूटे हुए हैं। इस यूनिवर्स में हम यानी कि इंसान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम ही इस यूनिवर्स का वॉइड हैं और हम ही हेवन और अर्थ को कनेक्ट करने का चैनल हैं। फ्रांसुइस चेंग ने एक बड़ा वंडरफुल एक्सप्रेशन दिया है कि इस लैंडस्केप की आइज ह्यूमंस है, यानी ये लैंडस्केप को ह्यूमन ही अलग अलग तरह से इंटरप्रेट कर सकता है। दोस्तों, इस चैप्टर में एक आर्टिकल भी इंक्लूडेड है, गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट। इसको बृंदा सूरी ने लिखा है और ये अगस्त 28, 2005 में हिंदुस्तान टाइम्स में छपा था, जब एक फ्रेंच पेंटर जीन डूबाफे ने कॉन्सेप्ट लाया ऑफ आर्ट ब्रट।
यानी जिसने भी आर्टिस्ट कहलाने के लिए कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ना ली हो, लेकिन वो कुछ ऐसा कर दिखाए जिससे हम उन्हें आर्टिस्ट कहने के लिए मजबूर हो जाएं। ये कॉन्सेप्ट जब इतना पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन अब इंटरनेशनली ये बहुत फेमस है। इसका एक एग्जांपल इंडिया से भी है, जब नेक चंद ने बिना किसी ट्रेनिंग के 80 साल की उम्र में जंगल को क्लियर करके वहाँ पर पत्थर और वेस्ट मटेरियल से 2005 में कुछ बनाया, जो चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के नाम से जाने गए। इन्हें इंडिया का सबसे बड़ा आउटसाइडर आर्ट कंट्रीब्यूटर कहा गया और इनके बारे में यूके बेस्ड मैगजीन ने भी लिखा। नेक चंद को यूनेस्को के स्विस कमीशन ने हॉनर करते हुए उनका एक इंटरेक्टिव शो चालू करवाया, रियल्म ऑफ नेक चंद, और उसे अलग अलग म्यूजियम्स और अलग अलग कंट्रीज में ऑर्गेनाइज किया गया। नेक चंद कहते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा जब लगता है जब लोगों को मेरी क्रिएशन को देखकर मज़ा आता है। इस चैप्टर में हमने दो चाइनीज फोक टेल्स और एक बेल्जियम की कहानी देखी। दोनों चाइनीज स्टोरीज में पेंटर्स को अपने आर्ट पर इतना भरोसा था कि एक तो बनाई हुई गुफा में ही घुस जाता है और दूसरा ड्रैगन की आंख इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो जिंदा होकर बाहर ना निकल जाए और सब कुछ तबाह ना कर दे। थर्ड स्टोरी यूरोपियन पेंटर से रिलेटेड थी और उसने अपनी आर्ट से इतनी सुंदर और एक्यूरेट मक्की ड्रॉ करी कि जिसे देखकर एक महान पेंटर ने तक उसे अपनी लड़की का हाथ दे दिया। यूरोपियन पेंटिंग्स में एक्यूरेसी पर ध्यान दिया जाता है और पेंटर जो दिखाना चाहता है वही दिखा पाता है, जबकि चाइनीज पेंटिंग्स में आप एक ही चीज़ को अलग अलग मीनिंग से सोच सकते हैं। चैप्टर के एंड में रॉक गार्डन की कहानी भी बताई गई है। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।